दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि अभी तक पूरी दुनिया में बुगाटी कंपनी की कौन कौन सी सबसे महंगी गाड़ी है, यानी बुगाटी कंपनी की गाड़ियां कौन कौन सी हैं पूरी दुनिया में। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। टॉप लिस्ट प्रोवाइडर, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें नई नई वीडियो देखने के लिए। बुगाटी चिरोन। बुगाटी चिरोन एक टू सीटर कॉप कार है। ये कार भी सिर्फ आपको पेट्रोल इंजन के ऑप्शन में मिलती है, जिसमें कि 8.0 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसकी पावर है 1479 BHP की, यानी 1470 और 1600 NM का टॉर्क जनरेट करती है। और गाड़ी की टॉप स्पीड है 420 किलोमीटर प्रति घंटा की, यानी 420। और गाड़ी का माइलेज है 6 KMPL का। गाड़ी में आपको सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ही मिलता है। और गाड़ी की कीमत है 21 करोड़ 21 लाख रुपये की। बुगाटी चिरोन स्पोर्ट्स। चिरोन स्पोर्ट की कीमत है $3.67 मिलियन की। अगर हम इसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो ये बैठेगी 26 करोड़ रुपए की। ये गाड़ी सिर्फ आपको पेट्रोल इंजन के ऑप्शन में मिलती है, जिसमें कि 8.0 लीटर का क्वेड टर्बोचार्ज्ड W16 इंजन मिलता है, जिसकी पावर है 1479 हॉर्स पावर की, यानी 1479, और 1600 NM का टॉर्क जनरेट करती है ये कार। बुगाटी डियो। बुगाटी डियो की पूरी दुनिया में सिर्फ 40 यूनिट ही बनी थी, यानी 40 पीस। इसकी कीमत की बात करें वो $5.8 मिलियन की कीमत पर बिकी थी। अगर हम इसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो ये 41 करोड़ 36 लाख रुपए की बैठेगी। गाड़ी एक टू सीटर कॉप कार है। ये कार सिर्फ पेट्रोल इंजन के ऑप्शन में मिलती है, जिसमें कि 8.0 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसकी पावर है 1479 BHP की, यानी 1479 BHP की, और 1600 NM का टॉर्क जनरेट करती है ये कार। 1937 बुगाटी टाइप 57S कैब्रियोलेट। 57S कैब्रियोलेट को बेचा गया था एमेलिया आइसलैंड ओकेशन में $7.7 मिलियन की कीमत पर। अगर हम इसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो ये 54 करोड़ रुपए की बैठेगी। इंजन की बात करें, इसमें 3.2 लीटर का इंजन मिलता था, जिसकी हॉर्स पावर थी 160 HP की, यानी 160। 1937 बुगाटी टाइप 57SC एटलांटे। एटलांटे को बेचा गया था गोडिंग एंड को पेबले बेच ओकेशन 2013 में $8.74 मिलियन की कीमत पर। अगर हम इसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो ये बैठेंगे 62 करोड़ 33 लाख रुपए की। इंजन की बात करें, इसमें 3.2 लीटर का इंजन मिलता था, जिसकी पावर थी 160 HP की, यानी हॉर्स पावर की। बुगाटी सेंटोडे की कॉन्सेप्ट। सेंटोडे की कॉन्सेप्ट की कीमत है $8.9 मिलियन की। अगर हम इसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो ये बैठेंगे 63 करोड़ 47 लाख रुपए की। ये कार अभी एक कॉन्सेप्ट कार है दुनिया में। और इस कार के इंजन की बात करें, इसमें 8.0 लीटर का इंजन मिलता है, जिसकी पावर है 1200 PS की, यानी 1200 PS की। 1937 बुगाटी टाइप 57SC स्पोर्ट्स टोरर। बुगाटी टाइप 57SC स्पोर्ट टूरर को बेचा गया था बोनहम्स अमेलिया आइसलैंड ओकेशन 2016 में। ये कार बिकी थी $9.73 मिलियन की। अगर हम इस कीमत को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो वो बैठेगा 69 करोड़ 39 लाख रुपए की। इंजन की बात करें तो इसमें 3.2 लीटर का इंजन मिलता था, जिसकी पावर 160 हॉर्स पावर की, यानी 160। 1932 बुगाटी टाइप 55 रोड स्टार। बुगाटी टाइप 55 रोड स्टार को बेचा गया था पेबल बीच ओकेशन 2016 में $10.6 मिलियन में। अगर हम इसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो ये बैठेंगे 74 करोड़ 14 लाख रुपए के आसपास के। इंजन की बात करें तो इसमें 2.3 लीटर का इंजन मिलता है, जिसकी पावर है 130 BHP की। बुगाटी लवोचर नोरा। लवोचर नोरा की $19 मिलियन की कीमत है। अगर हम इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो ये 135 करोड़ के लगभग बैठेगा। ये कार टू सीटर कॉप कार है। और ये कार सिर्फ पेट्रोल इंजन के ऑप्शन में मिलती है। और गाड़ी में आपको 8.0 लीटर का W16 इंजन मिलता है, जिसकी पावर है 1479 हॉर्स पावर की। गाड़ी की टॉप स्पीड है 420 किलोमीटर प्रति घंटा की, यानी 420। बुगाटी टाइप 57SC एटलांटिक कॉप। 57SC एटलांटिक कॉप पूरी दुनिया में सिर्फ दो ही कार हैं। 1936 वाले मॉडल अभी 3 साल पहले ही बिका था, जो बिका था $40 मिलियन में। अगर हम इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो ये करीब 285 करोड़ के लगभग बैठेगा। गाड़ी का डिजाइन करा गया था जीन बुगाटी ने।
इंजन की बात करें तो इसमें 3.3 लीटर का इंजन था, वो भी पेट्रोल में, जिसके साथ आपको 4 स्पीड का ट्रांसमिशन मिलता था। तो ये हैं बुगाटी कंपनी की सबसे महंगी गाड़ियां, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ही महंगी है। आपको इन गाड़ियों में बुगाटी की कौन सी कार सबसे अच्छी लगती है, हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए।